पार्वती वेलफेयर सोसाइटी एवं मंडल क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में सेंट एंड्रयूज कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर जगमग गोल्ड पार्वती वेलफेयर T20 कप क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सजनवा के बीजेपी विधायक प्रदीप शुक्ला, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद्र जायसवाल, पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के सचिव महेंद्र गुप्ता सहित वरिष्ठ लोगों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। उसके बाद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच गोरखपुर रेड और महाराजगंज के बीच खेला गया, जिसमें महाराजगंज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 72 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गोरखपुर रेड टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में ही 73 रन बनाकर इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया। यह क्रिकेट प्रतियोगिता 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगी। प्रतियोगिता में मंडल की 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें गोरखपुर रेड और ब्लू देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज है, जिसमें प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। जगमग गोल्ड कप पार्वती वेलफेयर क्रिकेट टूर्नामेंट स्वागत करें, अभिनंदन करें प्लीज। राजू गुप्ता जी से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित करवाने के लिए, और ITI एक्टिविस्ट अविनाश गुप्ता जी से अनुरोध करते हैं 20 जगमग गोल्ड कप पार्वती वेलफेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। जिसमें महाराजगंज की टीम 72 रनों के पर पारी समाप्त कर दोनों टीमों से अनुरोध है कि वो लाइन अप हो जाएं। गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। चारों टीमें लाइन अप हो जाएं। विधायक सहजनवा आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, तालियों से स्वागत करें खिलाड़ी। विशिष्ट अतिथि के रूप में ईश्वर चंद्र जायसवाल जी, योगेंद्र दुबे जी। संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा, कॉलेज में पार्वती वेलफेयर संस्था महेंद्र गुप्ता जी के द्वारा यह जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, महेंद्र गुप्ता जी रेगुलर कई सालों से जो भी सामाजिक कार्य हैं, खेल का है, ये कराते रहते हैं। खेल से कहीं ना कहीं हमारा बढ़ावा हो रहा है। आज हमारी केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार खेल के लिए गांव-गांव में मिनी स्टेडियम बनवा के, आज जैसे जंगल कौड़िया, जैसे सजनवा में पूज्य महाराज जी के द्वारा मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है, खेल मैदान गांव-गांव बनाया जा रहा है कि हमारे जो प्रतिभावान खेल के बच्चे हैं उनका विकास हो, और वह इसी प्लेटफार्म, ऐसे ही जब प्लेटफार्म मिलते हैं तो उनका विकास होता है, यहीं से खेल के फिर जाके उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में अपना नाम करेंगे। मैं इस संस्था को हृदय से अभिनंदन दे रहा हूं, महेंद्र गुप्ता जी को, जो ऐसे कार्यक्रमों करा रहे हैं। कितनी टीमें भाग ले रही हैं इसमें? लगभग पूर्वांचल की 8 जिले की टीमें भाग ले रही हैं।